नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। पंजाब में गेहूं का सीजन पूरे जोरों से चल रहा है, ऐसे में किसानों को चूना लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला है जलालाबाद की अनाज मंडी का, जहां पर प्रशासन को शिकायत मिली कि जलालाबाद की मंडी में कुछ आढ़तियों के द्वारा किसानों की फसल को तोलने में गड़बड़ी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जब चेकिंग की तो पाया कि स्थानीय मंडी में दो आढ़तियों के द्वारा तुलवाई में घपला व बिना साफ सफाई के गेहूं की फसल सरकारी बैग में भरी जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जलालाबाद के अंतर्गत ही पड़ते फोकल पॉइंट जयमलवाला में भी मैसर रामचंद्र के द्वारा किसानों की फसल को सरकारी बैगों में 50 किलो की जगह पर 53 किलो भरा हुआ था, जो कि किसानों के साथ भी पूरी तरह से ठगी थी। देखिए किस तरह से यह मामले सामने आए हैं, प्रशासन ने इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। कार्रवाई की आड़तियां ते प्रशासन ने असी यदि सलाघा करते हैं, इस सलाघा जो कदम है, क्योंकि जिस किसान की बहुत मेहनत नाल किसान फसल पैदा करता, रात दिन सप्पां दीआं सिरियां मिधदा, तो उसकी फसल वध तोली जाए, ये किसान नाल बहुत ही वड्डा धक्का, इस तो वड्डा धक्का होर की हो सकता। पर फिर भी प्रशासन आदि पैनी नखर नज़र नहीं रख रहा, प्रशासन को सारे आड़तियां ते पैनी नज़र रखनी चाहिए है, तो सारे आड़तियां का चैक होना चाहिए भी ये किस हिसाब न तोलिया जा रहा, जिहड़ा भी आड़ती है उसकी कार्रवाई करता, वध माल तोलता उसका लसेंस कैंसल होना चाहिए। नाल ही एक होर गल है कि सरकार ने पिछे जे एक क्वालिटी कट लाता किसानों की फसल से कि यह क्वालिटी खराब हो चुकी है, जिसे 4 रुपए 60 पैसे रेट कट किया, वो जदों हुण असीं एजेंसियों वाले को गए, एजेंसियों वाले कहिंदे कि रेट 25 तरीक तो कटिया, पर की होया कि एजेंसियों वाले ने आड़तियों नूं चैक जिहड़े बिल पहला 25 तो पहला माल विकिया सी, वो भी बिल वापस करते, तो वह आड़तियों को 4 रुपए 60 पैसे कटौती के हिसाब नाल इन्हां ने बिल बनवा ले, तो पेमेंट आ रही है वो किसानों नाल, वो भी बहुत वड्डा धोखा वा, जिहदे नाल किसान दी तां आड़ती दा तकरार वध सकदा, तो वो जिहड़े किसानों का माल 25 तो पहला विक चुके आ, वह उन्होंने पूरा 1840 रुपए के हिसाब नाल ही विकना चाहिए, ये भी साडी प्रशासन तो मांग। फाजिलका जिला के जलालाबाद का यह मामला है, जहां पर अनाज मंडी में किसानों का गेहूं ज़्यादा तोला जा रहा था, 50 किलो की बजाय उनके गेहूं को ज़्यादा तोल दिया गया था, जिस पर आज मार्केट कमेटी के सचिव द्वारा कार्रवाई की गई है। मार्केट कमेटी के सचिव बरजिंदर सिंह द्वारा यहां पर छापामारी की गई, इसके बाद दो आड़तियों के लाइसेंस को रद्द किया गया। इसके साथ ही जयमलवाला की मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव ने कार्रवाई करते हुए एक आड़ती के लाइसेंस को रद्द किया है, कुल 3 आड़तियों के लाइसेंस को यहां पर रद्द किया गया है। जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मार्केट कमेटी जलालाबाद के सेक्रेटरी बलजिंदर सिंह से, वे जिस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं। आरबीआई मीडिया आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब करना न भूलें। ਕੱਲੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ 2-3 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੀਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੀ ਚੱਕ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਵਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਫਰਮ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਉਦੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 238 ਗੱਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਤੋਲੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼? ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਸਰ।